गुड आफ्टरनून, नमस्कार दर्शकों, मैं कृति वढ़ेरा जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ और आप हमें देख रहे हैं पीएमई विद्या के चैनल नंबर 9 पर। ये जो सेशन है ये स्टैंडर्ड 9 में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए रहेगा। साइंस का आपके लिए एक चैप्टर हम लेकर आए हैं जिसका नाम है टिश्यू। इससे पहले भी हम इस चैप्टर पर चर्चा कर चुके हैं और आज एक फॉलो अप सेशन है और जो एक्सपर्ट हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं इस सेशन के लिए, मैं आप सभी से इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगी। श्री सुशील कुमार जी का, आप पीजीटी बायोलॉजी हैं, केंद्रीय विद्यालय अलीगंज लखनऊ में आप कार्यरत हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुशील जी आज के इस कार्यक्रम के लिए। जी नमस्कार, गुड इवनिंग। आज की इस बातचीत को हम शुरू करें और उससे पहले आपको याद दिलाना चाहेंगे कि हमारे टोल फ्री नंबर पर डायल करके आप हमें अपने सभी सवाल साझा कर सकते हैं। नंबर रहेगा 8800440559। इस प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग आप ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो हमारा है एनसीईआरटी का, उस पर जाकर भी देख सकते हैं जिसका नाम है एनसीईआरटी ऑफिशियल, और वहां भी लाइव चैट बॉक्स में आप अपने सभी सुझाव सवाल भेज सकते हैं। अपने सभी सवालों को आप details.class9@cit.nic.in पर भी भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को जिसमें टिश्यूज पर हम डिस्कस करेंगे। फिर से स्वागत करूंगी आपका सुशील कुमार जी, क्या रहेगा आज की बातचीत में खास? आज की बातचीत में बच्चों को विशेषकर परमानेंट टिश्यू, एक विशेष प्रकार के टिश्यू होते हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं। हम लोगों ने पिछले टर्न पर जब हमारी आपकी बात हुई थी बच्चों, तो आपको हमने सिंपल टिश्यू के बारे में बताया था, लेकिन आज हम परमानेंट टिश्यू के बारे में बताएंगे। और इस परमानेंट टिश्यू में भी दो प्रकार के परमानेंट टिश्यू होते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरे कहलाते हैं कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिनकी कोशिकाएं किसी एक प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती हैं, जैसे वो या तो पेरेन्काइमा की कोशिकाओं की बनी होंगी या स्क्लेरेन्काइमा की केवल कोशिकाएं पाई जाएंगी या फिर कोलेन्काइमा या फिर ये कुल मिलाकर एक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएंगी। और ये जो पेरेन्काइमा की कोशिकाएं देख पा रहे होंगे आप स्लाइड में, ये एक प्रकार की ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो थिन वाल होती हैं, और सबसे अच्छी बात है कि इनके बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होती है, ये लिविंग होती हैं। और ऐसी पेरेन्काइमा की कोशिकाएं जिनके बीच में अगर एयर स्पेस डेवलप हो जाए तब हम इन्हें एरेन्काइमा कहने लगते हैं, और ये विशेष प्रकार की हाइड्रोफिटिक प्लांट होते हैं उनमें पाई जाती हैं। कीर्ति जी, आप जानेंगे कि ये अगर ये प्लांट जो हाइड्रोफिटिक प्लांट है उनमें बायोएंसी होती है, जो पानी पे तैरने की जो इनके अंदर प्रवृत्ति होती है वो इसी एरेन्काइमा टिश्यू के कारण होती है। आपने हमने देखा होगा कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स होती हैं हरी भरी होती हैं, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ऐसी पेरेन्काइमेटस सेल जिनमें क्लोरोफिल डेवलप हो जाता है उन्हें हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। सो ये अलग अलग मॉडिफिकेशन करके पेरेन्काइमा बनाती है प्लांट में। दूसरे प्रकार की कोशिकाएं इन्हें हम कोलेन्काइमा कहते हैं, और ये इनकी विशेषता होती है कि ये किनारों पर कोनों पर इनमें थिकनिंग होती है विशेषकर, इसलिए इसमें इंटरसेलुलर स्पेस थोड़ा कम होते हैं और इनकी जो सेल वाल होती है वो थिक होती है। तीसरे प्रकार की जो सेल्स होती हैं जिन्हें हम स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं, जैसे हम लोगों ने नारियल के रेशे में इन्हें इन कोशिकाओं को देखा होगा, या फिर हमने सीड कोट में देखा होगा, या फल के अंदर जो बीज होता है उसमें भी हमने देखा है। तो ये कुल मिला के ये डेड सेल होती हैं, नारियल के रेशे हम और आप लोगों ने देखे होंगे, और ये विशेष प्रकार की एक कोशिकाएं होती हैं और ये एक प्रकार से प्लांट्स को एक प्रकार से मजबूती प्रदान करती हैं। अब ये परमानेंट टिश्यू ये प्लांट में एपिडर्मिस के को बनाते हैं, और हम लोगों ने पिछले टर्न पे ये बात डिस्कस कर ली थी कि एपिडर्मिस में छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, और इन स्टोमेटा के द्वारा गैसियस एक्सचेंज होता है। इसके साथ साथ एक यूनिक प्रॉपर्टी प्लांट में ट्रांसपाइरेशन की पाई जाती है वो होती है। ये स्टोमेटा देखा था आपने पिछली बार जब हमने बात की थी कि ये दो गार्ड सेल से घिरे रहते हैं, और मोनोकोट के केस में जो हमारे मोनोकोट्स होते हैं उनमें डंबल शेप्ड गार्ड सेल पाई जाती हैं, जबकि डाइकोट के केस में ये किडनी के आकार की अर्थात रेनिफॉर्म गार्ड सेल पाई जाती हैं। इसके अलावा आपने देखे होंगे जो प्लांट्स की प्रवृत्ति के आधार पर कुछ प्लांट्स होते हैं जो जीरोफिटिक होते हैं, अर्थात ये प्लांट कम पानी में पाए जाते हैं, जेरे कंडीशन में पाए जाते हैं, मरुस्थलीय भूमि में पाए जाते हैं, और उनमें स्टोमेटा जो होते हैं वो कम संख्या में पाए जाते हैं, हिडन होते हैं। ये देखा होगा पत्ती के ऊपर लीव्स के ऊपर एक थिन वैक्सी मटेरियल पाया जाता है जो उसको डेसिकेशन अर्थात शुष्कता से बचाता है, इसे हम क्यूटिकल कहते हैं,
और प्लांट के स्टेम में कुछ विशेष ग्रोथ होती है, आउटग्रोथ ऑफ एपिडर्मल सेल, इन्हें हम ट्राइकोम कहते हैं, स्टेम की आउटवर्ड ग्रोथ होती है, और रूट के केस में रूट हेयर पाए जाते हैं, वो यूनिसेलुलर होते हैं, ये एपिडर्मिस से निकलने वाली स्ट्रक्चर है ट्राइकोम्स एंड रूट हेयर्स। पेरिडर्म एक स्ट्रक्चर प्लांट में पाई जाती है जिसको हम बार्क भी कहते हैं, और ये आउटर मोस्ट लेयर होती है स्टेम और रूट की, और जो वुडी प्लांट होते हैं, जो मैच्योर प्लांट होते हैं, उनमें ये पाई जाती है। और ये हम लोगों ने अक्सर देखा होगा कि नीम के तने के बाहर देखा हो या अमरूद के पेड़ के बाहर देखा हो, ये वुडी ट्रंक्स में पाई जाती हैं। ये हम अगर बात करें, चाहे पेरेन्काइमा हो चाहे कोलेन्काइमा हो, ये हमें हमारे प्लांट्स में सपोर्ट, इलास्टिसिटी और इस प्रकार की गतिविधियों के लिए जिम्मेवार है। और स्क्लेरेन्काइमा की जो ये कोशिकाएं होती हैं, ये स्क्लेरेट्स और स्टोन सेल बनाती हैं। हम लोग कई बार नाशपाती खाते हैं तो किट किट की आवाज आती है, उसके अंदर नाशपाती जो होती है पियर, उसके अंदर स्टोन सेल्स पाई जाती हैं विभिन्न फाइबर में स्टोन, ये जो हमारी पॉलन जो स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स पाई जाती हैं। अब मैं जल्दी से आपको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में बता दूं। ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये यूनिक टिश्यू होते हैं और ये प्लांट के वैस्कुलर टिश्यू बनाते हैं। इसका नाम ही है कॉम्प्लेक्स, मींस इसमें एक से ज्यादा टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं, अर्थात ये अलग अलग प्रकार की जो टिश्यू हैं, जो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं मिलकर एक यूनिट की तरह काम करती हैं। और जैसे कोलेन्काइमा, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा मिलकर एक यूनिट की तरह काम करेंगे, इसलिए इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और ये स्पेशलाइज होते हैं फॉर फूड के कंडक्शन में, एज वेल एज वाटर एंड मिनरल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में, और लीफ से फूड को डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में ट्रांसलोकेट करने में, जिसे हम ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड कहते हैं। अगर हम इनकी लोकेशन समझें तो ये हमारे प्लांट के वैस्कुलर बंडल में पाए जाती हैं, जो संवहन तंत्र बनाते हैं और जिनमें जाइलम और फ्लोयम ये मुख्य रूप से कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। हमारे बच्चे यहाँ जानना चाहेंगे, जो जाइलम होते हैं ये वाटर का और मिनरल का कंडक्शन करते हैं, और इनके अंदर इनके जो कंपोनेंट होते हैं वो ट्रैकीड हो सकते हैं, वैसियल, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। जाइलम में अधिकतर भाग डेड होता है और केवल जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग होता है। इसके अलावा जितने भी बाकी जाइलम के कंपोनेंट हैं वो डेड होते हैं। और जाइलम पेरेन्काइमा का काम होता है बच्चों फूड को स्टोर करना, और बाकी जो जाइलम का काम है प्लांट को एक प्रकार से सपोर्ट करना, एक प्रकार की रिजिडिटी, जिसे हम वुड कहते हैं उसे टेक्निकली सेकेंडरी जाइलम कहते हैं, जिससे हम लोग फर्नीचर बनाते हैं। फ्लोयम की बात करें तो फ्लोयम भी एक यूनिक टिश्यू होते हैं, ये वैस्कुलर बंडल के एक कंपोनेंट होते हैं, और इनके अंदर सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोयम पेरेन्काइमा एंड फ्लोयम फाइबर होते हैं। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल मिलके ट्रांसपोर्ट कर में मदद करते हैं फूड की लीफ से डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टेम और रूट तक, भोजन को जो पत्तियों में भोजन बनता है उसको अलग अलग जगह पहुंचाने का काम फ्लोयम का होता है। फ्लोयम पेरेन्काइमा स्टोर करता है फूड को। फ्लोयम के साथ अक्सर बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लोयम में कौन से कंपोनेंट लिविंग हैं और कौन से डेड हैं, तो फ्लोयम के केस में फ्लोयम पेरेन्काइमा लिविंग होता है, सीव ट्यूब लिविंग होती है, कंपेनियन सेल लिविंग, और केवल फ्लोयम फाइबर डेड होते हैं। मतलब फ्लोयम फाइबर को छोड़ के फ्लोयम के सारे कंपोनेंट, चाहे वो सीव ट्यूब हो, चाहे वो कंपेनियन सेल हो, चाहे वो फ्लोयम पेरेन्काइमा, ये लिविंग होते हैं। तो कुल मिला के आपको पता चला होगा कि ये कुल मिला के ये सारे टिश्यू, चाहे सिंपल परमानेंट टिश्यू या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्लांट में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मिलके प्लांट को एक प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन में मदद करते हैं। अब बच्चों हम आपको बताना चाहेंगे, मैं और आप एक लिविंग क्रिएचर हैं। सपोज हम और आप कोई सांस ले रहे हैं, अभी देखिए कई जून को वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे जो पूरी दुनिया में मनाया जाता, हम लोग प्राणायाम करेंगे, सांस को गहरी खींचेंगे। आप भी गहरी सांस मेरे साथ खींचिए। अब आपने जब सांस ली तो आपने महसूस किया होगा कि हमारे जो चेस्ट है, इस चेस्ट के कुछ कंपोनेंट में मूवमेंट हुआ होगा। आपने देखा होगा कि ये जो चेस्ट के अंदर के जो कंपोनेंट हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मदद करते, उनमें कुछ विशेष प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम एक प्रकार से मस्कुलर सेल कहते हैं,
या पेशी सेल कहते हैं, इनमें कोई ना कोई मूवमेंट हुई है और इन कोशिकाओं के फैलने अर्थात और सिकुड़ने अर्थात एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन से कोई हमारे आपके मूवमेंट पॉसिबल हुई। सांस लेते समय हो या हम अक्सर देखा होगा ऑक्सीजन लेते हैं, अब ये ऑक्सीजन का क्या उपयोग है, ये आप समझते होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के माध्यम से और जो प्रत्येक सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें ऑक्सीजन को लेके भोजन को कंबशन करते हैं और जलाया जाता है, उससे जो एनर्जी मिलती है उससे हम वेरियस काम करते हैं, अर्थात हमें और आपको ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है। तो कुल मिला के आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसे ही हमारे शरीर में एक ब्लड एक टिश्यू के रूप में काम करता है, जिससे कि हमारे शरीर में अलग अलग जगह पर ऑक्सीजन या फूड या वेस्ट मटेरियल को पहुंचाया जाता है या कलेक्ट किया जाता है। तो ये एक प्रकार के टिश्यू हो गए। अब मैं आपको टिश्यू के टाइप बताऊंगा कि एनिमल टिश्यू मेनली चार प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, दूसरे प्रकार के होते हैं मस्कुलर टिश्यू, तीसरे प्रकार के होते हैं कनेक्टिव टिश्यू और चौथे प्रकार के होते हैं हमारे नर्वस टिश्यू। अगर हम देखें एपिथेलियल टिश्यू को, तो एपिथेलियल टिश्यू में डिफरेंट प्रकार के अलग अलग जो इसके टाइप्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द विच टाइप ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म, किस प्रकार के और या किन जगह ये पाया जा रहा है उसके आधार पर इनको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। ऐसे ही मस्कुलर टिश्यू में जो मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, जो मेरे और आपके लोकोमोशन या मूवमेंट के लिए जरूरी होती हैं, वो किस प्रकार के कार्य करती हैं, उनका कंट्रोल किस प्रकार से हमारे शरीर के द्वारा होता, उसके आधार पर ये तीन प्रकार की होती है, स्ट्रिएटेड अनस्ट्रिएटेड एज वेल एज थर्ड टाइप इज नोन एज डेट इज नोन एज कार्डियक मसल। हमारे शरीर में ये अलग अलग कंपोनेंट को जोड़ने का काम करता है एक प्रकार से कनेक्टिविटी का, तो उसे ब्लड बोन कार्टिलेज लिगामेंट एरियोलर एडिपोज ये जो टिश्यू होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू की श्रेणी में आते हैं। और चौथे प्रकार के जो टिश्यू होते हैं वो हमारे शरीर में वायर के रूप में पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। अगर हम कोई स्टिमुलाई देते हैं या हमें और आपको कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो चेंज होता है, जो महसूस होता है, वो नर्वस टिश्यू के द्वारा होता है जिसके आधार पर हम क्विक एक्शन करते हैं। कुल मिला के आप समझ पा रहे होंगे कि एनिमल टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू मस्कुलर टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू से बनता है। अब अगर हम देखें कि एपिथेलियल टिश्यू में क्या काम करता है, तो एपिथेलियल टिश्यू एक प्रकार के हमारे आपकी कवरिंग या प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है। यह हमारे शरीर के बाहर की आउटर कवरिंग बनाता है। इसके अलावा इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल में पाया जाता है, हमारे लंग्स में पाया जाता है या ब्रोंकिया में पाया जाता है, ईसोफेगस में पाया जाता है। और इसका काम होता है शरीर का प्रोटेक्शन करना और कंट्रोल करना मूवमेंट में, और इसके साथ साथ जो भी सबस्टेंस है उनको एक जगह से दूसरी जगह भी भेजने में मदद करता है कुछ हद तक, क्योंकि ये सेल्स क्लोजली अरेंज होते हैं और इनमें एक फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब अगर हम देखें एपिथेलियल टिश्यू में, एपिथेलियल टिश्यू में पहले प्रकार का जो टिश्यू होता है दैट इज नोन एज स्क्वैमस टिश्यू। स्क्वैमा द वर्ड स्क्वैमा मींस फ्लैट, मतलब चपटा होगा ये। तो ये जो स्क्वैमस टिश्यू होते हैं इनकी जो कोशिकाएं होती हैं ये लेयर ऑफ द फ्लैट सेल से बनी होती हैं और ये बाहर से इनमें फ्रिक्शन या कह सकते हैं हम एक प्रकार से बाहर से ये टच में रहती हैं। तो ये हमारे शरीर के जो इनर लाइनिंग ब्लड वेसल बनाती हैं, लंग्स में भी पाई जाती, माउथ में भी, ईसोफेगस में पाई जाती जैसे हम फूड पाइप कहते हैं, और हमारी स्किन में भी पाई जाती बाहर, क्योंकि बाहर से हमारे स्किन में जो भी ये कहीं ना कहीं से टच और कॉन्टेक्ट के काम आती जिसके कारण ये फ्लैट होती हैं। ये एक प्रकार की स्क्वैमस टिश्यू हुआ। दूसरे प्रकार का जो टिश्यू होता है वो कॉलोमनर एपिथेलियल सेल होता है। इसकी कोशिकाएं पिले लाइक होती हैं और ये वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं और ये कॉलम की तरह स्ट्रक्चर बनाती हैं। और इसकी इससे कई बार ये होता है कॉलोमनर एपिथेलियल सेल में हेयर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं और जिसकी जिन्हें हम सीलिया कहते हैं और ये मूवमेंट में मदद करते हैं। जैसे कई बार म्यूकस के हमारे जो पूरा अंदर का यो पूरा रेस्पिरेटरी पासेज है उसमें म्यूकस के मूवमेंट में भी ये मदद करते हैं। अगली जो एपिथेलियल टिश्यू है दैट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, इसकी सेल्स कोन लाइक होती हैं और ये ऐसी जगह पाई जाती हैं जैसे हमारी रीनल डक्ट या किडनी ट्यूब्यूल या डक्ट ऑफ सेलिवरी ग्लैंड, एंड ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती हैं।
और ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल ये विशेष प्रकार की ग्लैंड के बनाने में उसकी इंटरनल लाइनिंग में क्यूबॉइडल एपिथेलियल ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल पाई जाती हैं और ये सिक्रीशन ये दीज आर द सिक्रीटरी फंक्शन अर्थात ये सिक्रीशन में इन्वॉल्व होती हैं। सो ये किस आकार की हैं और कहाँ पाई जाती हैं इसके आधार पर आप समझ पाए होंगे कि ये सेल्स क्यूबॉइडल हो सकती या कॉलमनर हो सकती या सिलिएटेड हो सकती या स्क्वेमस हो सकती या फिर ग्लैंडुलर एपिथेलियम हो सकती हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में एक और टिश्यू होता है जिसे हम मस्कुलर टिश्यू कहते हैं और मस्कुलर टिश्यू यूजुअली इन्वॉल्व होता है जिसमें हमारे शरीर में जिसके अंतर्गत वेरियस मसल्स आती हैं या हम कह सकते हैं कि ये जो एक मस्कुलर टिश्यू है ये एक प्रकार का पार्ट होता है संयोजी ऊतक का या जिसे हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू जैसा कि नाम ही बत जी जैसा कि जी इसी के साथ हम अंतिम दो मिनट में अपने आज के इस कार्यक्रम की प्रवेश कर रहे हैं। मैं चाहूंगी आप अपनी बात को कंक्लूड करें और इस चैप्टर का कुछ भी हिस्सा जो बचेगा वो यकीनन हम आपके साथ नेक्स्ट फॉलोअप सेशंस में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो संयोजी ऊतक जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं जिसके अंतर्गत ब्लड आता है जिसके अंतर्गत एरियोलर या एडिपोज टिश्यू आता है बोन टिश्यू हो सकता है या कार्टिलेज टिश्यू हो सकता है ये हमारे शरीर में कुछ ना कुछ एक जैसे कि संयोजन करने में या कनेक्टिविटी करने में अर्थात इनकी सेल्स आपस में जुड़ी रहती हैं। जैसे एक प्रकार का जो टिश्यू है जिसे हम ब्लड कहते हैं और ब्लड में आपने बच्चों जाना होगा कि इसमें एक फ्लूइड पार्ट होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं और उसमें वेरियस सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम कॉर्पसल्स कहते हैं। ये कॉर्पसल्स ये रेड कलर की हो सकती हैं तो रेड कलर वाली जो ब्लड सेल्स होती हैं उन्हें आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। इनमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से ये लाल दिखाई देती हैं। दूसरी प्रकार की सेल्स कलरलेस होती हैं जिन्हें हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं। वो उनका काम होता है हमारे शरीर की डिफेंस मैकेनिज्म में मदद करना। और तीसरी प्रकार की जो सेल्स ब्लड में पाई जाती हैं उन्हें हम एक प्रकार की थ्रोम्बोसाइट कहते हैं जो ब्लड को जब चोट लगती है हमें और आपको तो उसके खून के थक्के बनाने में मदद करती हैं। तो ये ब्लड में ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है और ब्लड के कई सारे काम होते हैं क्योंकि ब्लड हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट मीडियम है और शरीर में भोजन हुआ हॉर्मोन हुआ या एक्सक्रीटरी सबस्टेंस हुआ या फूड हुआ इस उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में ब्लड का बहुत बड़ा योगदान है। ब्लड हमारे शरीर में मदद करता है और ये इस ब्लड में जो आप देख पा रहे होंगे कि जो मेन कंपोनेंट है वो आरबीसी होती है रेड ब्लड सेल्स और इनमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है। इस हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण ये ब्लड हमारे शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है जो हमारे शरीर में शरीर के अंदर जो करोड़ों सेल हैं उन सेल तक ऑक्सीजन भेजता है और कंबशन के बाद जो CO2 वहां जनरेट होती है एसिटिक सब्सटेंस उसको कलेक्ट करके उसको फिर CO2 को वापस लंग्स में लाता है और इसके आधार पर ब्लड बहुत अच्छा योगदान देता है। इसके अलावा हमारी डिफेंस मैकेनिज्म में चाहे वो WBC के रूप में या चोट लगने पर हमारे आपके खून के जमने में। आज हमने आपको कुल मिला के ये बात की कि जो प्लांट के अंदर जो टिश्यू होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो सकते हैं या परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने आपको पैरेन्काइमा कोलेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा के बारे में बताया और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमने जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में आपको बताया। इसके बाद एनिमल टिश्यू पे हम आए और एनिमल टिश्यू में आपने आज समझा कि इपिथिलियल टिश्यू क्या होते हैं। ऐसे ही दूसरे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम लोगों ने बात की और कनेक्टिव टिश्यू में हमने बहुत महत्वपूर्ण टिश्यू जैसे हम ब्लड कहते हैं और ब्लड की स्टडी को बच्चों हीमेटोलॉजी कहते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जी सुशील जी और यकीन मुझे लगता है बहुत सहजता से बहुत सरलता से आपने इतने कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी को भी हमारे सभी व्यूअर्स के लिए आज डिस्कस किया तो हम हमारे सभी व्यूअर्स ने बहुत गेन किया होगा आज के सेशन से। सुशील जी आज जुड़ने के लिए और ये सब साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। और आप व्यूज कहीं ना जाएं, नेक्स्ट सेशन में हम एक ICT टूल पे बात करेंगे। वेबिनार रहेगा आप सभी के लिए तो कहीं ना जाएं PM E-Vidya के सभी चैनल्स के साथ बने रहें।